हेलो अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आप सब लोगों को कल्चर कुजीन में वेलकम करती हूँ। बिफोर हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ आएँ, मैं सब लोगों का, अपने व्यूअर्स का, सबका थैंक यू करना चाहती हूँ। आई हैव रीच्ड 1000 सब्सक्राइबर्स, थैंक्स एवरीवन। आप लोगों की सपोर्ट एंड आपकी जितनी मुझे अभी तक आपने मुझे हेल्प की है टू गेट टू दिस पॉइंट, उम्मीद करती हूँ आगे भी आप ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे मुझे। अपना फैमिली का थैंक यू करना चाहती हूँ मैं, अपने बच्चों का, ऑब्वियसली माय सिस्टर स्पेशली तैयबा, शी इज रियली इनकरेज्ड मी टू ओपन माय यूट्यूब चैनल एंड हियर आई एम। तो ऑल क्रेडिट गोज टू हर बेसिकली। एंड आज की रेसिपी मैं आपको बता दूँ, मैंने कहा कि हम 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच चुके हैं तो वाई नॉट मेक सम स्वीट डिश। सो आज हम बेसिक ब्रिटिश केक बनाएंगे, विच इज़ बेसिकली ब्रिटिश क्लासिक विक्टोरिया स्पंज केक। इट्स रियली सिंपल केक, रियली सिंपल इंग्रेडिएंट, सबके घर में ऑल द टाइम इजीली अवेलेबल होते हैं। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ इसके। टू सेट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स हमेशा की तरह हमें चाहिए, दीज आर फॉर द स्पंज केक एंड बाकी मैं बाद में इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जो कि हमें चाहिए इसकी फिलिंग के लिए एंड क्रीम के लिए। तो यहाँ मैंने लिया है 225 ग्राम्स बटर, सॉफ्ट बटर चाहिए, आप रूम टेम्परेचर पे उसे पहले निकाल के रख दें, आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट है ये। और यहाँ मैंने लिया है सेम अमाउंट, वेट है इसका 225 ग्राम्स ऑफ कास्ट शुगर, विच इज़ बेसिकली वाइट शुगर, बारीक चीनी जो होती है। एंड ये है 225 ग्राम्स ऑफ सल्फराइजिंग फ्लावर। आपको याद है मैं अपने पहले भी कपल ऑफ वीडियोस में बता चुकी हूँ सल्फराइजिंग फ्लावर आप कैसे बना सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। मेक श्योर 100 ग्राम्स ऑफ प्लेन फ्लावर में आप 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालें, लेवल्स बेकिंग पाउडर, ये नहीं हो कि आपने व्हीप्ड डाल दिया है तो वो क्वांटिटी डिफरेंस हो जाएगा उसमें। तो मेक श्योर आप लेवल्ड 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालें इन 100 ग्राम्स ऑफ प्लेन फ्लावर टू गेट टू हैव सल्फराइजिंग फ्लावर। तो ये मेरे पास है 225 ग्राम सल्फराइजिंग फ्लावर, आप देख सकते हैं रियली सिंपल रेजी बेसिक रेसिपी है। ऑल दीज थ्री इंग्रेडिएंट्स आर सेम वेट 225 ग्राम्स। फोर एग्स मैंने लिए हैं, लार्ज एग्स, और मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। उससे पहले मैं अपनी बटर एंड चीनी को मिक्स कर लूंगी ताकि वो नाइस एंड फ्लफी हो जाए। ओके, लेट्स whisk it together, इसको अच्छे से मिक्स कर लें, स्टार्ट विद द लो स्पीड ताकि शुगर उड़े नहीं बहुत ज़्यादा। ओके, ये आप देख सकते हैं ये नाइस एंड फ्लफी हो गई है हमारा बटर एंड शुगर का मिक्सचर। मैं इसमें अब डालूंगी एग्स, एक एक करके डालेंगे एंड आफ्टर ईच एडिशन हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ओके, ये हमने मिक्स कर लिया है, अब मैं इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। मेक श्योर इस लेवल विद द बैक ऑफ अ नाइफ आप इसको अच्छे से लेवल कर सकते हैं। 1 एंड दिस इज 1/2 टीस्पून मेजरिंग, 1.5 टीस्पून मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको छान के इसमें मिक्स करूँगी एंड एट द सेम टाइम मैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस इसमें डाल रही हूँ। 1 टीस्पून, और मैं इसमें अब ये बेकिंग सल्फराइजिंग फ्लावर एंड बेकिंग पाउडर छान के इसमें मिक्स करने लगी हूँ। ओके, इसको अच्छे से छान के इसमें मिक्स कर लें। ओके, आप चाहें इसको आप विस्क इलेक्ट्रिक बीटर की तरह यूज़ करके मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से कर रही हूँ ताकि वो ओवर मिक्स नहीं हो जाए। एंड मैंने अपना ओवन ऑन कर दिया है प्री हीट होने के लिए, 170 डिग्रीज फैन सेटिंग है, 180 कन्वेंशनल सेटिंग है, टॉप एंड बॉटम ओवन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, एंड गैस मार्क विल बी 4।
एज ऑलवेज। और मैंने अपने 2 सैंडविच टिन्स भी रेडी कर लिए हैं, उसको बेकिंग पेपर लगा दिया है एंड ग्रीस कर लिया है मैंने उसे। मिक्सचर मेरा रेडी हो गया है और अब मैं इसे डालने लगी हूँ हाफ हाफ इन ईच ऑफ माई टिन। दिस इज कॉल्ड कट एंड फोल्ड टेक्निक। इससे आप अपनी जो केक में एयर होती है वो लूज नहीं करते हैं। इसको फोल्ड करें देन दरमियान में कट करें लाइक दिस। एंड मैं इसको हाफ एंड हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ओके, मैंने अपना हाफ एंड हाफ मिक्सचर दोनों टिन्स में डाल दिया है। मैं ओवन में रख रही हूँ इसे बेक करने के लिए अबाउट बिटवीन 20-30 मिनट्स, रफली 25 मिनट्स इसको मैक्सिमम लगेंगे। और आप चेक कर सकते हैं टुवर्ड्स द एंड अगर स्क्यूअर कम्स आउट क्लीन इज रेडी और अंटिल इज स्पंजी एंड बाउंस बैक। ओके, सो आई विल सी यू वंस दे आर डन। ओके, केक्स हमारे बेक हो गए हैं। मैंने उनको हाफ में काट लिया है, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं दे आर रियली नाइस एंड स्पंजी, रियली सॉफ्ट स्पंज। ओके, अब मैं इसके आपको बता देती हूँ इंग्रेडिएंट्स जो हमें इसकी क्रीम के लिए, फिलिंग के लिए चाहिए। मैंने यहाँ ली है 500 मिलीलीटर ऑफ डबल क्रीम। आपके पास डबल क्रीम नहीं है, व्हिपिंग क्रीम है, फ्रेश क्रीम जो भी है आपके पास जो विप हो सकती है वो हमें चाहिए। तो ये है 500 मिलीलीटर। 2 टेबलस्पून मैंने जैम लिया है, इसमें स्ट्रॉबेरीज में डालूंगी। तो मैंने स्ट्रॉबेरीज जैम लिया है, मैं सिर्फ एक लेयर में डालूंगी, इन बाकी अदर लेयर्स में मैं स्ट्रॉबेरीज डालूंगी, चॉप्ड स्ट्रॉबेरीज। वो आपके अपने ऊपर है आप कितनी लेना चाहते हैं। मैंने ली है 230 ग्राम्स, चॉप कर ली है मैंने उन्हें। एंड थोड़ी से मैंने स्ट्रॉबेरीज के हाफ्स मैंने सेव किए हैं ऊपर लगाने के लिए। एंड यहाँ मैंने लिए है आइसिंग शुगर 2 टेबलस्पून, बारीक पीसी हुई, वो मैं क्रीम में मिक्स करूँगी क्योंकि मैं जैम हर लेयर में नहीं डाल रही हूँ। तो हमें थोड़ी सी स्वीटनेस क्रीम को देनी होगी ताकि वो बहुत ड्राई एंड वो फीका फीका सा ना लगे क्रीम। एंड मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट भी क्रीम में डालूंगी। तो ये हो गया 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट इन द क्रीम। मैं इसको अच्छे से विप करूंगी क्रीम को, शुगर भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। जब सॉफ्ट पीक्स बन जाएंगे तब तक मैं इसको विस्क करूंगी अच्छे से। ओके, क्रीम अच्छे से विप हो गई है मेरी, मैं इसको इस पे स्प्रेड करूंगी। इसके ऊपर मैं डालूंगी स्ट्रॉबेरीज। इस लेयर पे मैं जैम नहीं लगा रही हूँ, आई विल पुट जैम इन द मिडल लेयर ताकि वो बैलेंस हो जाए स्वीटनेस। अ हैंडफुल ऑफ स्ट्रॉबेरीज रफली चॉप की है मैंने। ये है हमारा ब्रिटिश क्लासिक स्पंज। इट्स रियली इजी रेसिपी इसकी। okay, मैं इस पे डाल रही हूँ सेकेंड लेयर। अगेन क्रीम। एंड अनदर लेयर ऑफ स्पंज। इस पे मैं लगाऊंगी पहले जैम। आप अगर स्ट्रॉबेरीज नहीं यूज करना चाहते, सिर्फ जैम यूज करना चाहते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। ट्रेडिशनली तो इसमें सिर्फ जैम ही डाला जाता है, जैम एंड क्रीम। बट टू ब्रेक द स्वीटनेस मैं इसमें फ्रेश स्ट्रॉबेरीज ऐड कर रही हूँ, उसमें वो थोड़ा सा टैंगीनेस देती हैं। अनदर लेयर ऑफ क्रीम, लेकिन फोर्थ लेयर एंड फाइनल। मोर स्ट्रॉबेरीज, सॉरी क्रीम। Okay, here it is, Victoria sponge ready. उम्मीद करती हूँ मेरे आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी एंड
अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज ऑलवेज आई नीड योर सपोर्ट एंड हियर इज अ लवली सॉफ्ट केक स्लाइस यू कैन सी ऑल द लेयर्स एंड इट्स यम्मी बहुत इजी है रेसिपी बहुत आसान है एंड वील सी यू सेट विद अनदर एक्साइटिंग न्यू रेसिपी ऑन कल्चरल क्यूजीन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ सी यू सून बाय